इंडिया और चाइना के बीच कुछ दिनों से बॉर्डर में तनाव बढ़ रहे हैं। चाइना अपने मिलिट्री पावर को गलवान वैली, पेंगोंग सो और हर्सिल एरिया में लगातार बढ़ा रहा है। और गलवान वैली में तो चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर वैली को क्लेम करने लगे और जवाब में इंडियन आर्मी भी अपना प्रेजेंस बढ़ाने लगे। इसी तनाव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट शुरू करने के कारण सोशल मीडिया में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के नारे लगने लगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बॉयकॉट कर पाएंगे। तो नॉलेज आउटबर्स्ट में आपका स्वागत है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर साल इंडिया और चाइना के बीच बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है। इस डाटा से आप देख सकते हैं कि 2018 और 19 के बीच चाइना से 70.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का चाइनीज गुड्स इंपोर्ट किया गया था और भारत ने सिर्फ 16.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट किए। इस डाटा से आप देख सकते हैं कि भारत को 53.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ। इसे हम ट्रेड डिफिशिएंट कहते हैं, जबकि इससे चाइना को 53.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का मुनाफा हुआ और इसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने बिलियन डॉलर्स का ट्रेड को अचानक बंद कर सकते हैं? यह अभी तो संभव नहीं है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मानिए आपको एक फ़ोन खरीदना है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है महंगा कम फीचर्स वाले इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन, दूसरा है सस्ता और नए नए फीचर्स वाले चाइना में मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अपना ऑनेस्ट आंसर कमेंट्स में ज़रूर देना। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज इम्पोर्ट्स को बैन क्यों नहीं लगा देता। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO के अनुसार कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पर कंप्लीट बैन इम्पोज नहीं कर सकता, चाहे वो दोनों कंट्री युद्ध ही क्यों न लड़ रहे हो। मान लेते हैं कि चाइनीज इम्पोर्ट्स में पूरी तरह बैन लग गया, पर 70.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का सामान जो हमें सस्ते में चाइना से खरीद रहे थे अब कहां से आएगा? इससे उल्टा हमारा नुकसान ही हो जाएगा। अचानक बॉयकॉट तो करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स को रिप्लेस जरूर कर सकते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सकते हैं। COVID-19 के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना से भारत और दूसरे देशों में शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये समय भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक आत्मनिर्भर देश और एक्सपोर्ट जायंट बनने का। इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत कई सारे पैकेजेस का लॉन्च किया गया, जिससे भारत एक इंपोर्ट जायंट से एक एक्सपोर्ट जायंट बन सके। इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को इसका साथ देना चाहिए और धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स का व्यवहार बंद करना चाहिए। पहले फेज में आप चाइनीज ऐप्स का व्यवहार बंद कर सकते हैं, जो अभी हमारे लिए संभव है। आपको पता ही है कि चाइनीज ऐप्स जैसे टिकटॉक, जूम, जेंडर भारत से कितना पैसा लूट रहा है और इसी पैसे के बलबूते पर भारत को हमेशा तंग करता है। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या डिसीजन लेंगे। जय हिंद।